सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए यूके का टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिना वीपीएन के और वो भी बिना सिम के। आप किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए यूके का टिकटॉक अकाउंट बना के आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले जो यूएसए का हम टिकटॉक अकाउंट बनाते थे उसके ऊपर प्रॉब्लम हमें ये होती थी कि वहां पे सिर्फ जो उसका जो पे आउट का मेथड था वो था वो पेपाल। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेपाल की जो सर्विस है वो इस टाइम मौजूद नहीं है, और यूके का टिकटॉक अकाउंट अगर आप बना लेते हैं, उसके फॉलोअर्स भी पूरे कर लेते हैं, तो आप यहां पर जो पे आउट का मेथड है वो है पेनीर। अगर पेनीर आप उसके साथ अटैच करते हैं तो पेनीर के जरिए आप जो पेमेंट है अपने जैज कैश के जरिए पाकिस्तान में वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह यूके का जो है वो टिकटॉक अकाउंट बनाना है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, गौर से देखना है, इसका कोई पार्ट आपने वीडियो का स्किप नहीं करना। और टिकटॉक की का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करके टिकटॉक को ओपन करना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा, और जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि आपको भी कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, फिर आपने उनको सॉल्व किस तरह से करना है। एक जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो अब हम टिकटॉक का अकाउंट यानी यूके की टिकटॉक का अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पे टू मैनी अटेम्प्ट्स का जो है वो एरर बहुत ज्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो एरर आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, और वो भी लाइव में आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा कि आपने उस एरर को किस तरह से करना है, और उस एरर को खत्म करने के बाद आपने यूके का जो टिकटॉक यानी टिकटॉक अकाउंट है वो किस तरह से आप सेफ तरीके से पाकिस्तान के अंदर चला सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिम, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, और आपके लिए जो अर्निंग से रिलेटेड जो है न्यू स्किल्स न्यू आइडियाज आपके लिए लाता रहता हूँ। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने किस तरह से टिकटॉक का अकाउंट बनाना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने किस तरह एक यूके का जो टिकटॉक अकाउंट है वो आप अपने मोबाइल पर बना सकते हैं, वो भी बिना सिम और बिना अपना वीपीएन लगाए। आप किस तरह से एक जो है वो टिकटॉक का मोनेटाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। अब अकाउंट आपने बनाना कैसे है, आप मैंने यहाँ पर एक APK जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और इस टिकटॉक जो APK फाइल है आपने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। डाउनलोड करने के बाद आपने इस फाइल को आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, जस्ट वंस, उसके बाद आ गया ऑलवेज। आपने सिंपल करना है जी, जस्ट वंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपने इसको सिंपल जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि आपने इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपने किस तरह से करना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे इसके अंदर बहुत सारी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, तो फिर अगर कोई पार्ट स्किप करेंगे तो किसी जगह आप अटक जाएंगे और आपको टिकटॉक का जो अकाउंट है उसके अंदर मसला आ सकता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है वो टिकटॉक जो ऐप है वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही इंस्टॉल होती है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है जी। तो अब यहाँ पे मेरी जो टिकटॉक फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल कर लेता हूँ जी ओपन। अब जैसे ही ओपन करूँगा तो अब मेरे पास जो सेटिंग्स आएंगी वो मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सबसे नीचे जो है आपको एक मूड सेटिंग नज़र आ रहा है, एक क्लोज आ रहा है, आपने क्लोज नहीं करना, यहाँ पर मूड सेटिंग पर कर देना है जी क्लिक। अब मूड सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने चेंज कंटेंट रीजन का जो ऑप्शन है आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले जो है आपने एक अपना जो रीजन है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब जो मैं यहाँ पे अपना रीजन जो है वो सिलेक्ट करूंगा वो यूनाइटेड किंगडम आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यूके का अकाउंट बना रहे हैं टिकटॉक का, तो यहां पे हम यूनाइटेड किंगडम ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से यहां पे यूनाइटेड किंगडम यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद अब आपने यहां पे आपका कंट्री रीजन है वो यहां पे सिलेक्ट हो चुका है, उसके बाद आपने यहां पे गो बैक पर क्लिक करना है। जैसे ही गो बैक पर क्लिक करेंगे फिर आपने यहां पे गो बैक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहां पे सिंपल कर देना है जी
क्लोज, ठीक है जी। क्लोज करने के बाद ये आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप यहाँ से ऊपर से स्किप भी कर सकते हो, अगर स्किप नहीं करना तो आप इसमें से दो तीन जो है चार फील्ड्स आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने सिंपल कर लेना है जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो अब आपकी जो टिकटॉक का जो है वो यहाँ पे जो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी मेरा जो टिकटॉक का अकाउंट है यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं इसकी आपको प्रोफाइल दिखाऊं, यहाँ पे देखें प्रोफाइल दिखाऊं, तो यहाँ पर अभी तक मैंने अकाउंट साइन अप नहीं किया। अब आपने एक और काम ये करना है कि आपने यहाँ पे एक आउटलुक की आईडी बनानी है। आपने कभी भी अपने मोबाइल नंबर और जीमेल से वेरीफाइड नहीं करना, क्योंकि जीमेल या अपने जो है मोबाइल नंबर से वेरीफाइड करेंगे तो आपको मैक्सिमम रीच लिमिट का जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है जी। अब इस एरर को किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है जी। तो आपने यहां पर क्या करना है जी, सिंपल आपने अपने जो है वो जीमेल से कभी भी साइन अप नहीं करना। अगर आपके पास यूके का नंबर है तो ये तो वेल एंड गुड हो गया, तो फिर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है यूके का तो आप यहां पर जो है वो जीमेल से वेरीफाइड नहीं करेंगे। अब मैं आउटलुक की आईडी बनाने का भी तरीका बता देता हूं कि आपने आउटलुक की जो आईडी है वो किस तरह से बनानी है। तो सिंपल मैं यहां पे क्या करता हूं जी, गूगल के ऊपर जाता हूं यहां पे और अपने जो है गूगल क्रोम में ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहां पे लिखता हूं जी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट यहां पे आपने आउटलुक यहां पे ये वाला दिखता है, ठीक है जी। अब ये वाला ऑप्शन लिखेंगे तो यहां पर आपको एक मिलता है साइन इन का ऑप्शन मिलता है, एक है क्रिएट एंड फ्री अकाउंट का। तो यहां पे आपने सिंपल क्या करना है जी, क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक कर दें जी। तो जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा जी आप यहाँ पे न्यू ईमेल दें। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है एक न्यू ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक न्यू ईमेल जो है मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने टाइप कर दिया ये वाला, ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ, ठीक है जी, outlook.com। इसके बाद आपने सिंपल कर दे रहे हैं जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद वो पूछेगा जी आपसे पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे जी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी एक पासवर्ड जो है वो एक अच्छा सा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जी मैं पासवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, इस बात आपने सिंपल कर दे रहे हैं जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद वो पूछेगा जी आपसे पासवर्ड। तो आपने यहाँ पे जी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी एक पासवर्ड जो है वो एक अच्छा सा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जी मैं पासवर्ड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा जी डिटेल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपसे जो है वो डिटेल पूछ रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आपने यहाँ पे जो है नाम जो है वो अपना टाइप कर देना है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी एक नाम जो है वो टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है जी इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछेगा जी व्हाट इज योर बर्थडे, आपकी जो बर्थडे है वो क्या है। तो आपने यहाँ पे इस पे अपनी जो बर्थडे है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बर्थडे सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर कर लेता हूँ जी यहाँ से नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट होगा तो मेरी जो आउटलुक की आईडी है वो बनने के लिए जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको जो है एक पजल जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो पजल आपने किस तरह से सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आपने इस पजल को सॉल्व करना है, यानी जिस तरफ ये हैंड का इशारा कर रहा है तो आपने उसी तरफ ये वाली जो है इसको मूव कर देना है, ठीक है जी। ये मैं इसी तरह से इसको ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपल कर देता हूँ जी यहाँ पे सबमिट। वेरिफिकेशन जी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब कंप्लीट होने के बाद मेरा जो अकाउंट है बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने इसी जो आउटलुक की जो आईडी है मैंने इसी को अपने जो है वो टिकटॉक की आईडी पर लगाना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ जी अपने वापस उसी टिकटॉक अकाउंट पर और यहाँ पे मैं जो अब ये वाली आईडी से साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहां पे जा रहा हूं जी प्रोफाइल में और प्रोफाइल में जाने के बाद आपने सिंपल क्या आप करना है जी यहां पे साइन अप। अब यहां पे वो तीन ऑप्शन आपसे कहेगा, वो कहेगा जी यूज अ फोन नंबर और ईमेल, उसके बाद वो पूछेगा जी कंटिन्यू विद फेसबुक, उसके बाद वो पूछेगा जी कंटिन्यू विद गूगल। तो आपने सिंपल यहां पर क्या करना है जी, आपने ये यूज फोन और ईमेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब यहां पर करेंगे वो पूछेगा जी आपसे बर्थडे, तो अब आपने यहां पर अपनी जो है वो एक बर्थडे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। तो मैं यहां पर अपनी जो है वो एक बर्थडे जो वो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आपने इसी तरह से जो है वो बर्थडे सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जी ये आपको बर्थडे जी मैं यहाँ पे ये वाली, ठीक है, और ये वाला मैंने सेलेक्ट, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है जी सिंपल, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वो पूछेगा तीन, आपने यहाँ पे इसको कर देना जी नन ऑफ द अबव, ठीक है जी।
उसके बाद वो यहाँ पे देखें जी, GB+44 ये आपसे यूके का जो है वो नंबर डिमांड करे। अगर आपके पास यूके की सिम अवेलेबल है तो आप उसका नंबर भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आपने सिंपल यहाँ पे ईमेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अब ईमेल पर कौन सी आईडी डालनी है जो अभी हमने आउटलुक की बनाई थी। ठीक है जी, तो अब मैं वापस जाता हूँ, मैं अपनी आईडी यहाँ पे देखता हूँ कि मेरी आईडी कौन सी है। तो मेरी आईडी थी ये वाली। ठीक है जी, तो मैं अब यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, जाने के बाद यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और इस यहाँ पे आके टाइप कर देता हूँ। ठीक है जी, नहीं यहाँ पे जी अब अपनी आईडी यहाँ पे टाइप कर दिए, इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास एक वेरिफिकेशन मांगेगा, तो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल अपनी जो है वेरिफिकेशन करवाऊंगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको जो है वो सबमिट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपनी जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा देता हूँ, और ये कंप्लीट करवाने के बाद उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पूछेगा जी पासवर्ड, तो मैं आपने यहाँ पे एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जी है वो सिंपल एक पासवर्ड जो है वो एक अच्छा सा क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने पासवर्ड जी क्रिएट कर लिया ये वाला, ओके। उसके बाद ये मेरा पासवर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब ये पासवर्ड कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मेरे पास एरर आता है तो उस एरर को सॉल्व किस तरह से करना है, अगर एरर नहीं आता तो वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे करना है जी नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखते हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे साइन अप होता है या नहीं। अगर एरर भी आएगा तो मैं आपको एरर भी लाइव दिखाऊंगा और इस एरर को सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस वेरिफिकेशन को कर लेता हूँ जी कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे साइन अप होता है या नहीं। ठीक है जी, अब वो मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम, तो आपने सिंपल जो है एक यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जी यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं जी इस यूज़र नेम को ये वाला साइन अप, ठीक है, तो ये वाला क्लिक करता हूँ। वो कहते हैं कि ये वाला जो है यूज़र नेम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ये वाला डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं जी इसमें कुछ और चेंजिंग कर लेता हूँ। ओके जी, मैं इसमें और इसमें ये वाली चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि ये वाला यूज़र नेम भी अवेलेबल नहीं है, तो वो सजेस्टेड में जो दे रहा है मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने यूज़र नेम भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया और आउटलुक की आईडी भी मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद मैं सिंपल कर लेता हूँ जी साइन अप पर क्लिक। अब जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो टिकटॉक का बन के रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही रेडी होगा, अब आप यहां पे देखें कि मेरे पास जो है वो यहां पर लाइव का ऑप्शन जी मुझे नजर आ रहा है। यहां पे देखें इस साइड पे मुझे लाइव का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, और यहां पे अगर मैं इस प्रोफाइल पर क्लिक करूं तो अब जो मेरा अकाउंट है वो भी यहां पे सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी ऐसा एरर नहीं आया, क्योंकि जैसे ही मैंने outlook.com की आईडी डाली है तो उससे एरर जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। एरर आपको तब आता है जब आप अपने जीमेल से वेरीफाई यानी साइन अप करोगे, तो तब आपको मैक्सिमम रीच लिमिट का ऑप्शन आएगा। अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा दूं, अगर आप इस 3 लाइंस पर क्लिक करें तो यहां पे देखिए मुझे क्रिएटर टूल्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब जो मेरी यूके की आईडी है वो यहां पे एक्टिव हो चुकी है, तो मैं अगर इस क्रिएट टूल्स पर करता हूं क्लिक, अब यहां पे देखिए क्रिएट पोर्टल का भी आ रहा है, यहां पे लाइव का भी, यहां पे देखिए मार्केट प्लेस का भी ऑप्शन आ रहा है, टिकटॉक शॉप का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर अगर आप जो है यूके की आईडी पर अगर काम करते हैं तो यहां पर आप अपनी चीजें जो अगर ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं वो भी कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप अपनी जो है वो टिकटॉक शॉप भी ओपन कर सकते हैं, और यहां पर आपका जो ये वाला टिकटॉक अकाउंट है ये मोनेटाइज होगा। ठीक है जी, बिल्कुल मोनेटाइज होगा, इसके अंदर कोई ऐसा मतलब है कि फैम नहीं है। अब इसके ऊपर आपने काम किस तरह से करना है, मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा, आपने 7 दिन के लिए इसके ऊपर कोई भी अपनी जो है पिक्चर यहां पर नहीं लगानी, प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी नहीं करना, ना किसी को फॉलो करना है, लाइक करना है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने अभी 7 दिन मैं जो आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आपने इसको जस्ट स्क्रोल करना है ऐसे। ठीक है, स्क्रोल करने से क्या होगा, आपकी आईडी के अंदर जो है वो थोड़ा सा कुकीज ये चीजें जनरेट होंगी, उसके बाद ये होने के बाद आपकी आईडी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक यानी बंद नहीं होगी। क्योंकि अगर अभी से आप स्टार्ट शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी आईडी बैन हो जाए। तो ये है जी आप यूके का अकाउंट बनाने का तरीकाकार जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप कि मेरी वीडियो लगी होगी आपको अच्छी। अगर अच्छी लगी है और जो तरीकाकार मैंने बताया है, अगर इस तरीके से आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपने मुझे लाइक लाजमी करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।